सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आए हैं आर सिटी मॉल में। आज हम ट्राई करेंगे यहाँ पे स्नो पार्क, जो यहाँ का स्नो किंगडम है। तो हर एक घंटे का स्लॉट होता है एज यूजुअल। तो हम लोग आए हैं अभी 3 बजे के स्लॉट पे। एडल्ट का टिकट पड़ रहा है यहाँ पे अराउंड 750 रुपीज का, एंड किड्स का टिकट पड़ रहा है 650 रुपीज का। सो अगर आप चाहिए तो एडिशनल 100 रुपीज पे करके 12D का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। टिकट कुछ ऐसा स्लिप में आता है। तो इसमें कैसा होता है, 15 मिनट का वैसे क्लोथिंग का सेक्शन होता है, उसके बाद 45 मिनट आप स्नो पार्क में एंट्री करते हैं। तो अभी जिस हम लोग आए तो एक स्लॉट चालू हो गया था, तो हम लोग ने नेक्स्ट स्लॉट के लिए बुक कर लिया है। तो बस दैट्स ऑल, अभी वेट करेंगे। हम सोच रहे हैं पहले हम लोग 3D ले ले, 3D पे चले जाए। तो 3D न्यू एक्चुअली 12D है, तो उस पर चले जाए। तो एक्सपीरियंस में बताऊँगा एड में कि वो वर्थ इट है कि नहीं एडिशनल पे करके लेना। बाकी क्या, अभी बस हमारा स्लॉट का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ वैसे एक चीज़ बताया नहीं, आप स्टेशन से घाटकोपर स्टेशन से आता जा सकते हो जस्ट 20 रुपीज सीट पे, यानी आप वहाँ से रिक्शा करते हो तो 20 रुपीज पर सीट। हम लोग ने 2 लोग आए थे तो 40 रुपीज में हो गया था। ऐसा कुछ एडिशनल सीट का पैसे वगैरह लिया नहीं वो लोग ने। तो जस्ट सेकंड फ्लोर पे आ जाओगे तो आपको दिख जाएगा स्नो पार्क। तो दिखाता हूँ आप, तो सेकंड फ्लोर पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखेगा स्नो पार्क का, और यहाँ पे है वो 12D का एंट्रेंस। तो इसका भी टिकट हम लोग ने बुक किया है। तो फिलहाल मैं आपको वो वाला पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे स्नो पार्क है, तो वो वहाँ से एंट्री है उसका। ओके, टिकट वगैरह सब वहीं से लेना है आप लोग को। तो जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि कैसा दिखता है। सी यहाँ पे सेक्शन का टाइमिंग वगैरह दिया है, दिस इज द एंट्रेंस, एंड टाइमिंग दिया है यहाँ पे 11 से स्टार्ट होता है, रात का 9 बजे तक होता है। एडल्ट का प्राइस है 750 एंड चाइल्ड का प्राइस है 650, और 15 मिनट पहले अराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ से एंट्रेंस है। तो ऐसा कुछ टिकट मिला है हमें, आप देख सकते हो इसमें 12D सिनेमा गिक्स करके दिया है, उसका एडिशनल चार्जेस लगा है, वो भी आप ऑप्शनल है जो कर सकते हो। सो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का पार्ट दिखाता हूँ आप लोग को। तो एंट्री मारते हैं आप लोग को, टिकट प्राइस दिखेगा स्नो किंगडम का 750 एडल्ट, चाइल्ड का है 650, और जो 12D है उसका 150 है दोनों, बहुत एडल्ट है किड्स, एंड दोनों का मिला के आप कॉम्बो ले सकते हो, एडल्ट का 850 में और चाइल्ड का 750 में। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस जस्ट एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर, एंड राइट साइड पे आपको वेटिंग रूम वेटिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप वेट कर सकते हो। ओके, एंड ठीक पीछे यहाँ पे है स्नो टैटू वाला पार्ट, यहाँ पे आप अपने बैग एंड बिलोंगिंग्स रख सकते हो। सो इतना है फिलहाल। वहाँ पे क्विज सेशन हो रहा है, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस सेक्शन में। तो आई डोंट नो जीतने वाले को क्या मिल रहा है, बट आंसर तो दे रहे लोग। यहाँ पे वेटिंग एरिया, तो लोग वेट कर रहे हैं। तो जस्ट हम लोग ने हमारा चप्पल और बैग यहाँ पे सबमिट कर लिया है, अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे काउंटर के पास। सो देख सकते हो गाइस, यहाँ से हमें लेना है हमारा कॉस्ट्यूम। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप पहन सकते हो कॉस्ट्यूम, जिसमें आपको मिलेगा एक जैकेट और एक नीचे का शू मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे दुकान भी है जहाँ पे आप चाहिए तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी ले सकते हो। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे बैठ के आपको चेंज करना है। ले लेता हूँ, देखते हैं कौन सा कलर का मिलता है हमें। इस पर भी साइज़ के ऊपर होता है कि बच्चे लोग का अलग कलर होगा, मे भी वैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग को सॉक्स भी मिल जाता है, और शूज़ अलग अलग कलर का है, और जैकेट मिलता है। ठीक, और क्राउड देख रहे हो, बहुत गंदा क्राउड है यहाँ पे, पूरा क्राउड। तो गाइस देख सकते हो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, और ये रहा पूजा। तो यार अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से ग्लव्स भी ले लेना गाइस, वरना भूल जाओगे आप, के बिना एंट्री मिलेगा भी नहीं। ओके, सो यहाँ पे है एक बहुत बड़ा रूम, देख सकते हो यहाँ से एक्चुअली ठंडी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक दरवाजा है, ये खुलने वाला है। खुल गया। चल 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 चल। तो वहां से आए हम लोग। ओके सो गाइस, जस्ट हम लोग ने एंट्री ले लिया है भाई, बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बर्फ है, एंड बहुत फन। मैं दिखाता हूँ पूरा एरिया अभी आप लोग को। सी वहां से हम लोग आए थे, तो जैसे सब लोग आ गए दरवाजा वापस से बंद कर दिया है। अब मैं आप लोगों को पूरा एरिया दिखाता हूँ, देखो वहां पे भी बंद कर दिया है। सो एंट्री मारता है यहाँ पे ऐसे एक रूम है, एंड यहाँ पे देख सकते हो छोटा मोटा बियर वगैरह है, देखो पोलर बियर अपना,
उसके बाद पूरा सेक्शन है वहाँ पे ट्रैम्पोलिन वगैरह एंड उस साइड पे स्लाइड्स वगैरह है। पूरा ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, बट यहाँ पे गाना लगा है यार, वो एक सीन है, थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मेरे को कॉपीराइट को लेके। आई विल ट्राई समथिंग, क्या कर सकते हैं देखते हैं, वरना वॉइस ओवर कर दूंगा। ठीक, तो आते आते पब्लिक है स्लाइड के अंदर चले गए देखो। सो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बर्फ बहुत है, थी पूरा पेड़ डूब रहा है यहाँ पे, वो एक अच्छा लगा मेरे को। बाकी यहाँ पे आ गया है स्लाइड्स, थी यहाँ से चढ़ना है ऊपर और पूरा स्लाइड्स नीचे, और एक्चुअली वो लेके आना है वहाँ से लेके आना है उसको, थी जैसे लेके आ रही है ना वैसा। एंड आप देख सकते हो अभी ये लोग नीचे आएंगे, थी देखो तो लोग जा रहे हैं ऊपर एंड वही लाइन वही पे लगी हुई है वैसे। यहाँ पे एक स्नो मशीन दिख रहा है मेरे को, जो आई गेस स्नो देगा मजबूत वाला थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी ऑलरेडी सब डूबा हुआ है, देख सकते हो कितना डूब रहा है पेड़ वगैरह अंदर। तो देखो मैं एक राउंड मारता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है देखने को। ओके, ठंडी तो बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और मैं तो ग्लव्स पहनता नहीं हूँ इसके अंदर, तो मुझे और ठंडी लग रहा है। अरे वो तो शैगी है। तो यहाँ पे इग्लू भी है ऐसी, अंदर तो आ गए हम लोग, यहाँ पे संभाल के चलना पड़ता है वरना गिर जाओगे आप। मैं जस्ट गिर गया और मेरे हाथ से कैमरा गिर गया नीचे, तो बैठ के उसको साफ कर रहा था मैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है गाने का, मुझे कॉपीराइट का बहुत सीन होने वाला है, बट मैं उसको कैसे तो मैनेज कर लूंगा। बाकी थोड़ा आगे का पार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या देखने को है। तो देखो क्राउड देख रहे हैं आप, क्राउड जो गंदा, ओ स्लाइड है यहाँ पे, सी बच्चों का स्लाइड भी है, वो मैं देखा नहीं यार, मैं सिर्फ बड़ों का देखा था। देखो बच्चों का स्लाइड, ए देखो ओ सही है। सो इतना है यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, जाके देखता हूँ उस पर भी लाइन लगी हुई है यार। तो हम लोग ने ट्यूब तो ले लिया वहाँ से खड़े होके लाइन पे रुक के, अब जा रहे हैं हम लोग हमारे इसके लिए। देखो इसके लिए भी बहुत लाइन लगती है यार, और देखो पूरा जो लाइन दिख रहा है ना उसके लिए खड़े ट्यूब के लिए, अब जा रहे हैं इसके अंदर। चलो देख रहे हो बर्फ कितना है भाई, ये देख पूरा पेड़ डूब गया अंदर। तो गाइस आप यहाँ पे ना रॉक क्लाइंबिंग ही कर सकते हो, देखो इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पार्क भी है बच्चों का। देखो ऐसे बच्चे लोग के लिए, बड़े लोग नहीं जा सकते इस पे ये, लेकिन बड़े लोग भी कर सकता है, सोच रहा हूँ थोड़ा ट्राई करके देख लो। Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life. पहले बार मैंने सीए किया भाई, मजा आ गया मेरे को। वैसे काफी टाइम से करना था ये मेरे को, एंड हम लोग ने कर लिया, छोटा ही सही लेकिन कर दिया। क्या बोलते कैसा था एक्सपीरियंस? एक्चुअली हमें ना रॉक क्लाइंबिंग वाला एक जगह पर जाना चाहिए जिम में, मजा आएगा एक्चुअली। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे जाके, फिलहाल टाइम बहुत कम है तो बाकी एक्सप्लोर करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग,
पेंगुइन भाई बहुत सही है यार, फोटो लेने के लिए बहुत सही है। मस्त है यार, एकदम मस्त बना हुआ है यहाँ पे सी। और यहाँ पे मस्त सा अच्छा सा एक मेरे को थीम नहीं समझ में आ रहा कौन सा है, बट बहुत सही बना है। मतलब सी ओवरऑल पूरा बड़ा सा लोकेशन है। यहाँ पे ना एक्चुअली बास्केटबॉल भी है। मैं भी नोटिस किया बास्केटबॉल है यहाँ पे। ए तुम फेक हो ना भाई, फेक ना। हाँ फेक फेक। ओ ओ जस्ट मिस। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन है। ओके सो ये वाला राइड तो हम लोगों ने कर लिया है सी, देख सकते हो कितना सही राइड है भाई। यहाँ पे कम से कम 10 बार तो कैमरा गिरा हुआ है मेरा, इतना बर्फ पे गिर रहा है ना कैमरा की बोली मत। अरे बहुत हैपनिंग प्लेस है, मैं बोलूँ ना मेरे को कुरला से भी ज्यादा अच्छा ये वाला पार्ट लगा मेरे को, कि इतना क्राउड भी है और राइट सीजन में आया, एकदम राइट टाइम पे आया हूँ। कि अगर यूजुअली कैसा नॉर्मल डेज में आता है ना इतना क्राउड नहीं होता, अगर क्राउड नहीं रहता है ना मजा नहीं आता है। ऐसा प्लेस में आओगे ना एकदम क्राउडेड वाला ही दिन में आओ, या तो सैटरडे या तो संडे आओ, वरना मजा नहीं आने वाला है। सो देखो कितना हैपनिंग प्लेस है ये, देखो पूरा एंजॉय कर रहा है। वो साइड भी है, ये साइड भी है ऐसी, यहाँ से स्लाइड है। भाई तभी वो जो मशीन था ना स्नो वाला, अभी तक काम नहीं किया, मेरे को पता नहीं उससे होता क्या है, या फिर एंड एंड में होता होगा या फिर हमारे जाने के बाद होता होगा वहाँ से कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तो खाली है वहाँ पे। तो शायद ये साइड आप लोग को ठीक से नहीं दिखाया होगा, तो ये साइड में है मिकी माउस। ओ देखो एक छोटा सा एरिया भी है जहाँ से आप अंदर जा सकते हो, अंदर तो कुछ नहीं है वैसे, अंधेरा ही है, तो डर लग रहा था थोड़ा इसके नीचे घुसने के लिए, तो नहीं घुसा अंदर। बाकी एरिया तो वो सही है, हमारा टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट खत्म। अरे उधर लाइट है, उधर जाना पड़ेगा। अंधेरे में देखो अलग ही लग रहा है भाई, एंडिंग वाले पार्ट में हर जगह पे ऐसे ही होता है, इमेजिन कैफे में भी वैसे ही है, तो वहाँ पे भी एंड होते ही ऐसा लाइट ऑफ कर देते हैं लोग। तो वाइब देख रहे हो यहाँ पे, एकदम कलरफुल वाइब है यहाँ पे, नाच रहे पब्लिक। से बाहर निकल रहा अभी, बस कर रहा हूँ आज के लिए। सो यहाँ तो दरवाजा, यहाँ से हम लोग ने एग्जिट कर लिया, एग्जिट करते ही यहाँ पे आप लोग को सारी चीजें सबमिट करनी है, जो जो आप लोग पहन के गए थे, जो जो यहाँ से मिला था। तो यहाँ पे भी ऐसे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप सबमिट कर लेना, यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगर आपने फोटो खिंचाया है वहाँ बाहर से, तो यहाँ से आप फोटो कलेक्ट कर सकते हो। तो यस आप यहाँ से फोटो कलेक्ट कर सकते हो, देखो 200-250 के रेंज, 500 के रेंज में भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ने सबमिट तो कर दिया सारी चीजें यहाँ पे, देखो उसके बाद ऐसा 2-3 मिनट होगा जहाँ पे आपके पास पैर में कुछ नहीं होगा, अभी जाना पड़ेगा यहाँ पे बैग लेने के लिए, ताकि आप पैर के पहन सकते हो शूज़ वापस। आई गेस वहाँ पे है, तो सी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग अभी, तो वापस हमारा एग्जिट। ए चप्पल ले ले, चप्पल। ओके सो चप्पल के लिए वापस घूम फिर के जाना पड़ रहा है, ऐसा सीन हो गया। देखते ऐसा क्यों है क्या है पता नहीं, बट पूरा घूम के आ रहा हूँ मैं। तो गाइस हम लोगों ने जस्ट अभी कंप्लीट किया है हमारा सेक्शन, 45 मिनट का था वैसे, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था ये वाला स्नो पार्क, स्नो किंगडम है इसका नाम बाय द वे। तो मैं बोलूँ मुझे सबसे बेस्ट के हिसाब से देखा जाए ना अभी तक, मेरे को इमेजिका का लगा है, और जो स्नो पार्क बुरला का है उसके बाद मैं ये बोलूँगा, और उसके बाद स्नो पार्क जो सी वुड का है वैसा मैं उसको रेट करना चाहूँगा।
बाय द वे वैल्यू ऑफ मनी के लिए बाकी सब एरिया से 150 रुपीज़ ज़्यादा है बाय द वे, बट देखा जाए तो ठीक है क्योंकि पीक सीजन है तो प्राइस भी वैसे ही रहेगा। वैसे प्राइस आई डोंट थिंक चेंज होने वाले ऑन टू रिमेन द सेम। वैसे हमारे पास पूजा है, बताओ जरा कैसा आपको लगा, वाज दैट गुड? अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था, वैल्यू ऑफ मनी ठीक है? हाँ वर्थ इट है, मतलब पहले तो लगा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि एज कंपेयर टू अदर्स इट वाज 600 आइटम्स। नहीं नहीं बाकी एरिया में तो 600 है, 600 650 वगैरह है। सबसे कम तो हमारा इमेजिन का मतलब जो आई गेस 400 का था, बाकी उसके सबसे हाई प्राइस तो इधर का ही है। और देखा है तो ठीक है, मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस, वैसे बहुत प्रोडक्ट था, बहुत गंदा प्रोडक्ट था और मुझे पता नहीं कि मेरा साउंड वॉल्यूम साउंड जो भी है आया है कि नहीं, कि बॉलीवुड गाना बज रहा था, नहीं आया तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। बाकी अभी हमारे पास यहाँ पे 12D है जो उसके भी टिकट हम लोगों ने लिया है जो अराउंड 100 रुपये का पड़ा है हमें कुछ कॉम्बो ऑफर के साथ, वरना आपको एडिशनल 150 या 200 देना पड़ रहा था उसके लिए, तो हम लोग उसका भी जाएंगे अभी इसके बाद। इसका एक्सपीरियंस तो मैं बता नहीं वाला हूँ। वैसे दैट्स इट, मैंने और भी वाटर पार्क सॉरी स्नो पार्क का वीडियो बनाया है, आप उधर वो भी जाके देखिएगा। बाय द वे दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।